नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में आने वाले ईद के त्यौहार को लेकर दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद। लगातार ईद के त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई पुलिस की गश्त। उत्तरी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में जगह जगह पर ईद को लेकर की गई खास तैयारियां। लगभग पूरी उत्तरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली पुलिस द्वारा पिकेट की संख्या को बढ़ाकर भी सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े त्यौहार ईद पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अभी से अपनी तैयारियां पूरी करने की कागार पर है। ईद के त्यौहार में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त अभी से बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है और लगातार पुलिस अमन कमेटी के लोगों से भी बातचीत कर रही है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए और कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे तरीके का इंतजाम रामनवमी और हनुमान चरम उत्सव के दौरान भी देखने को मिले थे और अब ईद के त्यौहार पर पुलिस खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं और उत्तरी दिल्ली में जहां पर भी बड़ी मस्जिद बनी हुई है उन जगहों पर पुलिस की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि पूरी उत्तरी दिल्ली को पुलिस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से देख रही है। साथ ही साथ अभी से एक लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत कर साफ कर रही है कि अगर किसी ने भी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की या फिर घटना में कोई लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज नाइन भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, ईद को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? देखा जाए कि इस एरिया की बात करी जाए, कई जगह मस्जिद है और मुस्लिम का त्यौहार है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयारी की गई? देखिए, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ मिक्स पॉपुलेशन वाले हमारे 15 में से 10 थाने हैं और यहाँ हिस्टोरिकली जो पुरानी दिल्ली का एरिया है वहाँ पर और जो नई कॉलोनीज कच्ची कॉलोनीज और जो नया एरिया आ रहा है बुराड़ी का और वजीराबाद का जो ग्रो कर रहा है रेगुलरली वहाँ पर भी ये जो है मिक्स पॉपुलेशन काफ़ी है। लेकिन इलाके में अमन चैन शांति सौहार्द का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हम पूरे प्रतिबद्ध हैं। हम इस पे हमारी मेन फोकस एरिया है इलाके में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे। इसके लिए हम लोग सिर्फ ईद के दिन या रमज़ान के महीने में नहीं, सारा साल ये लगे रहते हैं कि अमन कमेटियों के द्वारा या आम बीट स्टाफ के जो उनकी जो घर घर में इंटरवेंशन है पॉजिटिव इंटरवेंशन के चलते एक जनरल ब्रीफिंग लोगों को करके रखें कि शांति व्यवस्था बना के रखनी है। किसी तरीके का जो आजकल साइबर क्राइम साइबर सोशल मीडिया इसके चलते जो र्यूमर्स वगैरह कई कई बार आ जाते हैं और र्यूमर के चलते अशांति फैलाने की कोई जो गैर सामाजिक तत्व हैं कोशिश करते हैं या फिर कई बार कोई बाहर से लोग आ जाते हैं वो इस इलाके में अशांति बनाने की एक कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चीज़ हम जो हमारे मौजज़ान हैं जो इलाके के रेस्पेक्टेबल्स हैं जो हमारे सीनियर लोग हैं उन लोगों के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि घर घर तक ये मैसेज पहुंचा जाए कि अरे जैसे अमन कमेटी के सर आपकी मीटिंग भी हुई थी, उन लोगों की तरफ से किस तरह से सपोर्ट आपको मिला सर? हमारे जिले में तो अमन कमेटी और जो नागरिक सुरक्षा समितियां हैं ये इनका गठन ही इस जो एम के साथ किया गया है कि ये एक पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के चलते एक ऐसा सेटअप हमारे साथ रहेगा जो कभी भी किसी भी समय कोई भी ज़रूरत के समय पब्लिक के लोग एकदम से मौके पे आ जाएंगे और खुद ही चाहे पुलिस मौके पे पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां पर वो जो है मोहल्ले ही वहां पर वो जो है मोहल्ला जैसे होता है कि मोहल्ले मोहल्ले में शांति व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेन हमारा फोकस यही रहता है कि कोई गैर शख्स कोई गैर कोई शक्की वस्तु ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पुलिस को साथ के साथ दी जाए
और ये सब के चलते सोशल मीडिया के थ्रू भी, जैसे कि पहले बताया, अमन कमेटियां बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। देखा जाए लाल किले की बात करी जाए या सदर मार्केट की बात करी जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया है, उस एरिया में किस तरह से अपना पुलिस प्रशासन की एक्टिव मोड देखा जाए? देखिए, ये अब त्यौहार जो है ईद का त्यौहार, इसके चलते मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की, लेकिन हम जो मार्केट एरियाज में, चाहे वो लाउड स्पीकर्स वगैरह जो पीए सिस्टम है उनके थ्रू अनाउंसमेंट वगैरह, या इवन जो नमाज जुम्मे की होती है उस पे जो अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहाँ के इमाम साहिबान की तरफ से, और इस तरीके की अनाउंसमेंट हम जारी रखते हैं। मार्केट वगैरह में प्रॉपर चेकिंग, एंटी सेबोटाज चेक, मार्केट वेलफेयर वालों को मैसेज देना, जो वेरिफिकेशन टेनेंट सर्वेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह, इस सब के चलते एक ऐसा माहौल रखते हैं कि जो लोगों को, जो जरूरतमंद हैं उनको एक पुलिस की तरफ से एक कॉन्फिडेंस रहे, और जो क्रिमिनल है उसको एक उनमें भय, उनमें एक डर पैदा रहे। सर पब्लिक का क्या मैसेज देना चाहता है? जैसे पब्लिक का दिल्ली पुलिस का नाका और कान बने रहती है, इस त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से एक्टिव है और जो जनता है आपको हमेशा सहयोग देती है, तो जनता के लिए क्या मैसेज? जनता से हमें यही एक मैं अपील ही कह सकता हूँ कि फालतू झूठे र्यूमर्स और इन इस तरीके के जो कई गलत समाज को जो जो नेगेटिव तरीके के जो मैसेजेस हैं एकदम उन पे रिएक्ट करना इस तरीके से ना करें। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, सीधा अपने इलाके के बीट अफसर, अपने SHO, अपने DCP हमें पहले मैसेज दें, हमें बताएं, हम वेरीफाई करेंगे। आजकल झूठी इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते तो जो है इसको वेरीफाई करना पहले जरूरी है। दूसरा, अपने इलाके में अशांति फैलाते हुए कोई बाहर के जो गैर जो शख्स हैं, गैर जो लोग हैं, कोई ऐसे दिखें तो उनकी फोटो खींच लें, उनकी इंफॉर्मेशन जो है हमें पुलिस को दें। तीसरा यही है कि एक जनरल सबसे मिलजुल के रहें और शांति माहौल। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।